करना जब भारत की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। लड़ोगे? तो हेलो दोस्तों, एक मूवी जिसने पूरे भारत में खलबली मचा रखी है, चाहे इसके क्रिटिसिज्म की बात कर लो, चाहे इसके ग्रोथ के बारे में बात कर लो। या दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आदिपुरुष की, इस साल की मोस्ट मच अवेटेड मूवी अमंग विद मोस्ट ट्रेंडिंग एंड वायरल मूवी। भाई साहब, किसी ने भी ये उम्मीद नहीं करी थी कि ये मूवी इस हद तक ग्रो करेगी। मतलब ट्रिपल आर, KGF और पठान जैसी फिल्मों को ना कि सिर्फ टक्कर दे रही है बल्कि खदेड़ने तक की ताकत रख रही है अब ये फिल्म। या दोस्तों, एडवांस बुकिंग में इस तरह से ग्रोथ करेगी, मतलब मेरे होश उड़ गए इसके एडवांस कलेक्शन की रिपोर्ट देखकर। भाई साहब, अभी तक अगर मैं आज सुबह तक की बात करूं तो हिंदी कलेक्शन में रिपोर्ट सबसे आगे चल रही थी, लेकिन अब तेलुगु एडवांस बुकिंग बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए निकल रही है। जी हां दोस्तों, तेलुगु में तो सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, बस आजाद की ही देरी है और कल आदिपुरुष को रिलीज कर दिया जाएगा। दोस्तों, पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि सिर्फ इंडिया से लगभग 100 करोड़ का बिजनेस कर सकती है ये अपने पहले ही दिन, जो कि एक ह्यूज अचीवमेंट साबित होगी मूवी के लिए। दोस्तों, यकीन तो मुझे वहां नहीं हो रहा है जिसको भर भर के क्रिटिसिज्म मिल रहा था, जिसको रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप का टैग दिया जा रहा था और इस फिल्म ने पूरा गेम ही पलट दिया। दोस्तों, आज जानेंगे कि एडवांस बुकिंग में कैसी हालत है मूवी की, मूवी कब रिलीज होगी, मूवी का बजट कितना है, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी कल आदिपुरुष के रिलीज होने का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं और प्रभास के डाई हार्ट फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ओम राउत के डायरेक्शन में लगभग 700 करोड़ के टोटल खर्चे में बनने वाली आदिपुरुष को कल यानी 16 जून को सिनेमाघर में रिलीज कर दिया जाएगा और मूवी का बेसब्री से लोग इंतजार भी कर रहे हैं, साथ ही दूसरी तरफ लोग इसका कड़वा विरोध भी कर रहे हैं। तो मूवी फुल क्रिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी में लगातार सर्वाइव कर रही है और ना हारने वाले जुनून के साथ लगातार बढ़ते हुए आगे सर्वाइव कर रही है और फिल्म ने काफी ऑडियंस का दिल भी लूट लिया, जिसका जीता जागता सबूत एडवांस बुकिंग से पता लग रहा है। जी हां दोस्तों, मूवी को 2D, 3D और IMAX स्क्रीन पर रिलीज करा जाएगा। बता दूं तो मूवी हिंदी और तेलुगु भाषा में ऑफिस शूट करी गई है, जिसमें कन्नड़, तमिल और मलयालम में डबिंग करके दिखाई जाएगी। जी हां दोस्तों, फिल्म को पूरे भारत में लगभग पांचों लैंग्वेज में लगभग 6200 से 6500 स्क्रीन्स पर रिलीज करा जा रहा है, जिसमें से हिंदी बेल्ट को लगभग 4000 स्क्रीन्स दी गई हैं, जो कि एक ह्यूज नंबर है। दोस्तों, इंडिया में एडवांस बुकिंग बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हिंदी बेल्ट की। दोस्तों, लगभग 7 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन 3D स्क्रीन से कर लिया है अभी तक, लगभग 2,45,000 से ऊपर टिकट बेचकर, 2D स्क्रीन से लगभग 1.9 करोड़ का कलेक्शन सिर्फ 76,000 टिकट बेचकर, तेलुगु 3D से लगभग 6.7 करोड़ का कलेक्शन अराउंड 2,80,000 टिकट सोल्ड आउट करके, तेलुगु 2D से लगभग 1.90 करोड़ की एडवांस बुकिंग अराउंड विद 90K टिकट सोल्ड आउट, मलयालम 3D से 5,00,000 का कलेक्शन अराउंड 2,400 टिकट सोल्ड आउट करके, तमिल 3D से 3.85 लाख की एडवांस बुकिंग 3,200 टिकट सोल्ड आउट करके और तमिल 2D से लगभग 18,000 की एडवांस बुकिंग वो भी 200 टिकट बेचकर। इसी के साथ कन्नड़ा 3D से लगभग 1.7 लाख का एडवांस कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 750 टिकट सोल्ड आउट करके और 2D से लगभग 8,000 का ही कलेक्शन करा है। इसी के साथ ऑल ओवर इंडिया से सभी भाषाओं में टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन की अगर बात करूं तो लगभग 18 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन अभी तक एडवांस से कर चुकी है मूवी और एंड ऑफ द डे यह आंकड़ा 20 से 22 करोड़ को भी पार कर सकता है और कल सुबह तक यह आंकड़ा शायद से शायद 30 करोड़ तो टच कर ही लेगा अगर ऐसे ही ग्रोथ करती रही तो। इसी के साथ KGF, RRR और पठान जैसी फिल्मों के साथ ये फिल्म ना कि सिर्फ जगह बनाएगी बल्कि इन्हें खदेड़ भी सकती है। लेकिन खत्म करने से पहले एक सवाल आप लोगों से ये है कि मूवी 100 करोड़ की ओपनिंग ले पाएगी या नहीं इंडिया में? दूसरा, क्या मूवी 1,000 करोड़ का बिजनेस कर पाएगी अपने लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में? फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।